नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। आम आदमी की बात छोड़िए, जब प्रशासन के बड़े अधिकारी ही महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते तो महिलाएं कहां जाकर गुहार लगाए। आए दिन महिलाओं को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो रक्षा करने वाले प्रशासन से भरोसा उठ जाता है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरों के साथ। बताया जा रहा है कि डीएसपी ने महिला दरोगा को दिया था शादी करने का झांसा और दे दिया अंजाम महिला दरोगा के साथ रेप का। शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा, जब शादी की बात आई तो उसे धोखा दे दिया गया। महिला दरोगा ने डीएसपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। यह मामला सेंट्रल मुंबई का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति का मामला, बिहार पुलिस ने दी सफाई। आईटी एक्ट आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाए जाने वाले बिहार सरकार के आदेश को लेकर बिहार पुलिस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिहार पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोग पर शिकायत मिलने के बाद आईटी एक्ट या फिर आईपीसी की धाराओं के तहत एक्शन लिया जाएगा। डीजे पर थिरकने के बजाय भर के रिश्तेदार, स्थानीय लोगों ने बारातियों को जमकर पीटा। नवगछिया के मखतकिया मोहल्ले में एक शादी समारोह में डांस करने को लेकर हुए विवाद में स्थानीय लोगों ने बारातियों को जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाबत में बताया जा रहा है कि बारात पक्ष के 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में कराया जा रहा है। घायलों में कटिहार जिले की मनिहारी कसकोट अजीमाबाद निवासी लड़के का पिता मोहम्मद हाफिज, लड़के का सगा भाई शकील और लड़के का ममेरा भाई मोहम्मद सबीर बताया जा रहा है। NH 31 पर अज्ञात वाहन से कुचलकर युवक की मौत, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग मकनपुर चौक के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़े मकनपुर निवासी हरिनंदन सिंह का पुत्र ललन कुमार 20 वर्षीय की मौत हो गई है, जबकि गांव के ही बिंदेश्वरी शाह का पुत्र मनोहर शाह गंभीर रूप से घायल है। मनोहर को बेहतर इलाज के लिए JLNMCH रेफर कर दिया गया है। पार्टी के बहाने युवक को घर से फोन कर बुलाया और गोलियों से भून डाला। नवगछिया में पार्टी के बहाने युवक को फोन कर घर से बुलाया और फिर गोलियों से भून डाला। हमलावरों ने उसे सीने और पेट में 4 गोलियां मारी। दिन दहला देने वाली यह घटना गुरुवार की रात करीब 10:15 की खड़ीक बिहपुर थाना की सीमा पर जमालितपुर गांव के पास एक बगीचे में हुई। मरने वाले की पहचान जमालितपुर निवासी ब्रह्मदेव यादव के पुत्र विकास यादव 28 वर्षीय के रूप में की गई है। युवती को जिंदा जलाया, पुलिस ने भी मामला दर्ज करने से किया इनकार। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के करियाना गांव से आ रही है, जहां नाजायज रिश्ते का विरोध और बाइक की खातिर विवाहिता को जिंदा जला दिया गया। युवती इतने गंभीर रूप से जल गई है कि इलाज करना मुश्किल था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले के दर्ज करने को लेकर आनाकानी कर रही है। मायके वालों ने SP से गुहार लगाई कि उसके ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जेल में लालू प्रसाद के लिए की गई स्पेशल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। हाई कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत किया गया ऐसा। लालू प्रसाद के लिए जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने जेल IG को तलब करते हुए पूछा कि लालू प्रसाद की सुरक्षा को लेकर जेल में क्या व्यवस्था की गई है और कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है, जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि उनकी सुरक्षा में 3 शिफ्टों में 3 पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है, जिस पर हाई कोर्ट ने तल्ख
सवाल करते हुए कहा कि आखिर क्या लालू प्रसाद के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों की गई? वेतन नहीं मिलने से फूटा डॉक्टर और कर्मियों का गुस्सा, कहा लगता है वेतन का पैसा ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगा दिया गया है। पूर्णिया सदर अस्पताल में डॉक्टर कर्मी व चौथे ग्रेड के कर्मचारियों का धैर्य आज जवाब दे गया। सभी आज एकजुट होकर सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंचे और अपने 6 महीने के लंबित वेतन की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 कर्मी सदर अस्पताल पूर्णिया में कार्यरत हैं। बिहार में मिले कोरोना के 168 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,96,017। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 168 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,96,017 हो गई है। बिहार में फिलहाल 3,068 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।